मंच पर विराजमान आदरणीय स्वामी विज्ञानानंद जी, सुनील कोठारी जी और ये जो जयपुर डायलॉग का अनवरत यज्ञ चल रहा है इसके मुख्य अधिष्ठाता संजय दीक्षित जी, आप सभी ने अभी स्वामी जी का ओजस्वी और ऊर्जावान उद्बोधन सुना, तो मैं उन्हीं में से कुछ बिंदु लेकर अपना विचार व्यक्त करने का प्रयास करता हूं। आज का मुख्य विषय है अमृतकाल और इसके आगे क्या। ये एक सुखद संयोग है कि हम अभी 2022 में हैं, ये अमृतकाल का पहला वर्ष है, यानी ये अमृतकाल का भी उषा काल है और उषा काल में ही सूर्य की पहली किरण दिखाई पड़ती है जो आने वाले पूरे दिन का मार्ग प्रशस्त करती है। अब हमें इसमें यह सोचना होगा कि वो कौन सी दृष्टि है जो आने वाले समय में, आने वाले 25 वर्षों में हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकती है अथवा हम सब उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस संदर्भ में यदि हम ध्यान करें तो अभी विगत स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले से बोला तो उन्होंने क्या कहा कि इस अमृत काल के 5 प्रण है। पहला प्रण यह है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, जो स्वामी जी ने कहा जब तक हमारे पास मटेरियल पावर नहीं होगी तब तक हमारी बात को कोई नहीं सुनेगा, ये जग नहीं सुनता निर्बल जनों का शांति प्रवचन, शीश है उसको झुकाता जो कर सके रिपुमान मर्दन। और आपने देखा ये जो पहला प्रण था तो ये ऐसे कहा गया प्रण नहीं था मोदी जी। हम जब 2014 में परिवर्तन आया तो उससे पहले एक अटल जी का दौर छोड़ दें तो 67 वर्षों में हम दुनिया के एक अद्भुत देश थे। दुनिया में कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा क्या होता है, छोटा और कमजोर कहता है कि बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है, पर यहां हम बड़े थे और हम ताकतवर थे और हम कहते थे छोटा हमें सता रहा है। वो वक्त बदला और इंडिया का एरा एज ए सॉफ्ट स्टेट ओवर हुआ। ऑन द लाइटर नोट कहूं कि नया संसद भवन जब बन रहा था तो उसके ऊपर जो भारत का नेशनल एम्बलम लगा तो बहुत से लोग कोर्ट चले गए कि शेर कुछ ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं, यानी इन्हें शेर भी बकरी जैसे चाहिए थे। पर जब से शेर शेर दिखने लगा है तो आपने देखा कि उसका असर क्या हुआ है। असर यह हुआ है कि विगत 8 वर्ष, भारत की स्वतंत्रता के पहले 8 वर्ष हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की, नो ऑफिशियल बायलेटरल डायलॉग। अब कोई कहेगा नहीं किया तो प्राप्त क्या कर लिया। आजकल का जो घटनाक्रम है मैं उस पर नहीं बोल रहा हूं, इस समय जो पाकिस्तान में चल रहा है, प्राप्त क्या किया याद करिए, कुछ साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले की बात, वो वीडियो जब पीटीआई की सरकार थी वहां शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में बोल रहे हैं कि आर्मी चीफ आए उनके पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना रात होते होते हिंदुस्तान अटैक कर देगा। जनाब ये हालात तो 1971 में भी नहीं हुए थे कि कोई ये कहे कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि उनके पांव कांप रहे हैं। एक बात मैंने कहने का प्रयास किया। दूसरा प्रण क्या था, गुलामी की मानसिकता से अपने को अलग करना है। इसको मैं अभी आगे इस पर विचार व्यक्त करूंगा कि गुलामी की मानसिकता के कितने आयाम हैं, हाउ मेनी वेरिएबल डायमेंशंस दे आर हैविंग। तीसरा था कि हमें अपनी विरासत पर गर्व करना है और चौथा था कि हमें अपनी सब लोगों को सामूहिकता के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि एक कुछ व्यक्तियों के प्रयास से नहीं होगा, सबके प्रयास से होगा। और अंतिम था कि उस सामूहिकता के प्रयास के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना है। अब हम इसके दूसरे विषय पर यदि आते हैं कि हम अगर हम यह भी कहें, जैसे अभी स्वामी जी ने कहा कि चाइना के साथ भी हमको ध्यान रखना चाहिए था, तो मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चाइना के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि अगर डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर आप देखें तो चाइना के साथ कौन खड़ा था, सिर्फ नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। ये मैं बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये मई जून 2020 का पीपुल्स डेली का जून का महीना था, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, आर्टिकल पढ़ लीजिएगा जिसमें उसने कहा कि चाइना इज फेसिंग इट्स वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पोस्ट टियानमेन स्क्वायर। तो ऐसा भी नहीं था कि हमने उसमें दृढ़ता के साथ काम किया। अब मैं इस पे आता हूं, देखिए गुलामी की मानसिकता की बहुत सी चीजें हमारे दिमागों में बहुत तरीके से बैठी हुई हैं
और हमें उससे निकलने का प्रयास करना चाहिए। आप सभी लोग इस विषय के अनुसंधान में लगे रहते हैं, पर आपको तो पता है कि हमारे यहां बताया गया है कि अमृत तो तब निकलता है जब पहले विष निकाल दिया जाए। तो अमृत काल के अमृत का साक्षात्कार तब होगा जब गुलामी की मानसिकता ने जगह जगह विष जो इंजेक्ट करके हमारे मस्तिष्क में, यानी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों प्रकार के माइंड में, यानी चेतन और अवचेतन दोनों प्रकार के मस्तिष्क में जो स्थापित कर रहा है, कर रखा है, उसको निकालने की आवश्यकता है। अक्सर हम लोग ये कहने लगते हैं कि हम इंडोलॉजी की बात कर रहे हैं। मेरा विचार है अब अमृत काल का अंत आते आते हमारा विचार बदल जाना चाहिए। हम वेस्ट के नजरिए से भारत को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेंगे, भारत के नजरिए से वेस्ट को एक्सप्लेन करेंगे। यानी ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए अगले 25 वर्षों में वेस्टोलॉजी। अरे भाई आप कौन होते हैं हमको समझाने वाले? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, हम सब जो यहां बैठे हैं कहीं ना कहीं इतिहास एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबका आग्रह है कि उसकी वास्तविक स्वरूप आना चाहिए। पर उससे पहले हम यह तो समझ लें कि इतिहास को लेकर भारतीय सोच और इतिहास को लेकर वेस्टर्न सोच में क्या अंतर है। वो अंतर यह है कि वेस्ट कहता है हिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच कैन प्रिसाइजली डिपिक्ट एंड प्रिसाइजली डिटरमाइन द टाइम ऑफ एनी इवेंट विच हैज हैपेंड इन द पास्ट। यही तो हिस्ट्री मानते हैं कि भूतकाल में हुई कोई घटना उसका सही सटीक निर्धारण कर दें और सही समय का निर्धारण कर दें, ये इतिहास है। परंतु मैं आज आपसे पूछूं कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट जूलियस सीजर इन्वेडेड इंग्लैंड इन 40 BC और 60 BC, हाउ डज मैटर्स टुडे? तो उनकी इतिहास की डेफिनेशन तो कोई आज के युग में प्रासंगिक नहीं है। हमारे यहां इतिहास की परिभाषा यह है कि पूर्व काल में घटित हुई घटनाओं का वह स्वरूप जो वर्तमान समय में समाज में जीवन मूल्यों को स्थापित करने में भूमिका निभा सके। इसलिए हमारे यहां रामायण और महाभारत एक इतिहास है, मगर उस इतिहास में जोर रामलीला के ऊपर है। रामायण के भिन्न भिन्न पात्रों को पढ़िए, उनके चरित्र को समझिए, उनके चरित्र को अंगीकार करिए, यह उसका महत्व है। वो किस समय हुए थे इसका महत्व हमारे लिए सेकेंडरी है और उनके लिए प्राइमरी है। इसीलिए जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो क्या शब्द है? रामचरितमानस। राम के चरित्र को मन में धारण करिए, यह इतिहास का उल्लेख है। और ऐसा नहीं है, अगर आप रामचरितमानस की अंतिम चौपाई पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? कहत परम पुनीत इतिहासा, श्रवण ही करत सकल भ्रम नासा। यह परम पुनीत इतिहास है जिसे सुनने मात्र से सब प्रकार के भ्रम दूर हो जाते हैं। अब वो भ्रम कैसे दूर होते हैं और भ्रमों में क्या संबंध होता है, मैं सिर्फ एक उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा। आप सबने वो सुना होगा संस्कृत का बड़ा फेमस वाक्य, विनाश काले विपरीत बुद्धि। परंतु ये पूरा श्लोक आप में से कुछ लोगों को ध्यान होगा, और यह प्रसंग कहां पे है? यह रामायण का ही प्रसंग है जब वो ये कहते हैं कि न निर्मिते न दृश्यते कदैव न श्रूयते स्वर्णमयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। अर्थात न कभी बना, न कभी देखा गया, न कभी सुना गया कि सोने का हिरण होता है, फिर भी तृष्णा ने रघुनंदन को भी ऐसा घेर लिया कि विनाश काल में बुद्धि पलट जाती है। अब ये हमें क्या शिक्षा देती है? आज बहुत से लोग सोने का हिरण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय यानी भगवान राम जीवात्मा के प्रतीक हैं और सीता आत्मा की प्रतीक हैं। परमात्मा समझाता है सोने का हिरण नहीं होता। जीवात्मा भ्रमित हो जाती है, कहती होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, और उसके बाद अपनी अंदर की समस्त परमात्म शक्ति को उसके अनुसंधान में लगा देती है। अब उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है रावण। अब यहां ध्यान रखने की बात है, जब रावण आया था सीता हरण करने, क्या राक्षसी वेश में आया था? नहीं, साधु का वेश धर के आया था। आज भी बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का आवरण धरकर आपके सामने आती हैं, और अंदर से देखने में लगता है कि ये तो बड़े अच्छे विचार के साथ आ रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे रावण सीता जी से आग्रह करता है बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। जैसे ही मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार की, अब उसका असली स्वरूप दिखने लगता है।
तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आज हमारे सामने जो शक्तियां खड़ी हैं उसमें वास्तविकता क्या है, आवरण क्या है, ये हमें समझने की बहुत जरूरत है। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं, ऐसे फ्रेजेस गढ़े जाते हैं, जैसे आप सबने सुना होगा लेफ्ट लिबरल। कभी आपने कोई लेफ्टिस्ट कंट्री बता सकते हैं जो लिबरल हो? मतलब लेफ्ट लिबरल इटसेल्फ इज ए पैराडॉक्स। इट इज लाइक इफ समबडी से दैट आई एम ए डिवाउट एथिस्ट। अब दूसरी बात आप आइए, भारत में आकर जो हार्डलाइनर मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं और लेफ्टिस्ट, यही लिबरलिज्म के सबसे बड़े प्रतीक बन जाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, एक आप कम्युनिस्ट कंट्री नहीं बता सकते जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, और एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। चलिए वहां तक तो ठीक है, एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो, और एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें ना उड़ाई गई हो। गजब का भाईचारा है, आपस में क्या भाईचारा है। और ये आकर हमको भाईचारे का प्रवचन देते हैं, और देखिए मजे की बात यह है कि प्रवचन भी क्या देते हैं, कहते हैं गंगा जमनी तहजीब। अरे भाई, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, और तहजीब तुम्हारी? अरे मैं तो तब यह मानता जब आप कहते दजला फरात की तहजीब, तो हम मानते। ये स्थिति, ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया कि हमारे माइंड्स में किस प्रकार के शब्दों को दिमाग में गढ़ा जाता है और फिर हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया जाता है। जैसा कि अभी स्वामी जी बता रहे थे फिल्मों के बारे में ही, वो विषय तो हम लोग भी अब सबके संज्ञान में है कि किस प्रकार से धार्मिक और अन्य चीजों को किया जाता है। मैं उसमें एक और एंगल बताना चाहता हूं। जितनी भी फिल्में 50 साल में बनी, आपने प्रोफेसर को हमेशा सनकी पाया होगा, वो हमेशा थ्री इडियट वाला वीरू सहस्रबुद्ध ही होगा। फौजी, उसका डिसिप्लिन उपहास का पात्र होगा। जिस स्टडी का वो उल्लेख कर रहे थे, उसी स्टडी में यह भी बताया गया है कि 68% या 65% से अधिक फिल्मों में हमेशा सिख उपहास का पात्र बनाया गया है। और इतना ही नहीं, जो डिसिप्लिन पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा वो मजाक का पार्ट होगा, वो चतुर महालिंगम होगा। और जो हर प्रकार की शैतानी करने वाला होगा वो हीरो होगा, वो इनोवेटिव होगा। आप यह भी देखिए, और धर्माचार्य तो धूर्त होगा ही होगा, इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। आप यह भी समझिए कि धर्म मत संप्रदाय से लेके समाज के वो सारे वर्ग जो समाज का आधार बनाते हैं, साइंटिस्ट हो, प्रोफेसर हो, फौजी हो, इन सबको, या धर्म की चेतना और नैतिकता स्थापित करने वाले लोग हों, उन सब के बारे में एक प्रकार का नैरेटिव सेट करने का प्रयास। और यह भी ध्यान करिए, जो मैंने बात पहले भी बोली थी, संस्कृत भाषा का ही मजाक उड़ेगा। अब उसमें चतुर महालिंगम क्या श्लोक सुनाता संस्कृत का? अरे साहब, साउथ इंडियंस आर मोर वेलवर्स इन संस्कृत देन नॉर्थ इंडियन। साउथ इंडियन से संस्कृत बोलने में गलती नहीं हो सकती, उर्दू बोलने में गलती हो सकती है। हमने भी बचपन में, मतलब मजाक में कह रहा हूं, एक सुना था कि जो एक आप सबने सुना होगा चाहे, वो शेर है ना मैं गिला करता हूं ना शिकवा करता हूं, बस तुम सलामत रहो ये दुआ करता हूं। तो उसको अगर कोई स्लैंग में बोलेगा तो कहेगा ना मैं गिला करता हूं ना सुखा करता हूं, तुम साला मत रहे यही दुआ करता हूं। अब ये भी बनाया जा सकता था ना, ये नहीं बनाना था, क्योंकि मजाक तो संस्कृत का उड़ाना था। इसलिए बड़े सटीक ढंग से नैरेटिव्स हमारे दिमाग में भर दिए जाते हैं, और वह ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे मैं एक बिंदु और, क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी सब प्यार मोहब्बत के दौर की बातें बहुत करती है, उनको भी समझना चाहिए कि इस चीज को लेके भी आपके दिमाग में क्या चीज भरी गई है। वैसे तो अब तो हकीकत बिल्कुल बदल गई है कि ना किसी को अपनी बात कहना आता है ना किसी को समझना आता है। जिसे एक शेर में कहा गया है कि मुझे माना, मुझे अपना दर्द बयां करना नहीं आता, तुझे भी तो उसे एहसास करना नहीं आता। और वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी, अब कोई बिछड़ जाए तो कोई मर नहीं जाता। मगर अब जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये जो फ्रेज यूज किया जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये फ्रेज तो इंग्लिश का है, और इसकी हिंदी क्या है? जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। जंग, इश्क, जायज, तीनों फारसी के शब्द हैं।
किसी भारतीय भाषा में, संस्कृत या अन्य में कोई ऐसा आपको अनुसंधान करके बताइएगा कि युद्ध प्रेम में सब कुछ उचित अनुचित है, ऐसा कहीं नहीं। क्योंकि हमारे यहां प्रेम एक त्याग का प्रतीक है और युद्ध का एक धर्म है। और वो धर्म कैसा है, जैसा अभी उल्लेख किया पूर्ववर्ती वक्ताओं ने भी, कि भगवान राम जब रावण से युद्ध करते हैं तो रावण को भी इस बात का आभास हो जाता है कि भगवान राम क्या है, और जब रावण मृत्युशैया पे पड़ा होता है तो भी भगवान उसके पास अब लक्ष्मण को भेजते हैं। यानी आपके शत्रु के अंदर भी कोई क्वालिटी है तो हमें ईमानदारी से एक्सेप्ट करेंगे, और हम उस समय ना उसका एनेक्सेशन किया उन्होंने, ना अपना कोई डिप्टी बैठाया यानी सब्जुगेशन किया, ना कोई ट्रीटी साइन कराई, ना डोमिनेशन किया। ये युद्ध का धर्म था, और युद्ध का धर्म हमारा ऐसा था कि वो जो आपको महाभारत का संवाद याद होगा कि सांपों का राजा अश्वसेन कर्ण और अर्जुन के युद्ध में जब कर्ण के तरकश में से आता है और वो कहता बस मुझे अपने बाण पर चढ़कर जाने दो तो अर्जुन को मैं डस लूंगा, तुम्हारा भी प्रतिकार पूरा और मेरा भी प्रतिकार पूरा, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, तो कहता नहीं, उन्होंने कहा कि ये मुझे नहीं स्वीकार है क्योंकि मैं धर्म के आधार पर ही युद्ध कर रहा हूं, नैतिकता के आधार पर ही। तो वो ये कहता है, उसमें लाइन बड़ी सिग्निफिकेंट है जो भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत है, वो ये कहता है अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो, जन्म जन्मांतर की शत्रुता नहीं है। तो कहता है अगला जीवन किस अर्थ हो फिर हो द्वेषांत बिगाड़ू मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं। और ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में भी लिखा गया, कर्नल जेम्स टॉट जिन्होंने यही राजस्थान की धरती पर एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी, वैसे उनकी हर बात से हम सहमत नहीं है, परंतु उन्होंने लिखा कि जो भारत के हिंदू राजा होते थे उनके लिए युद्ध ऐसा लगता था जीवन मरण का प्रश्न नहीं होता था, उनके लिए शक्ति प्रदर्शन का टूर्नामेंट होता था, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से युद्ध लड़ते थे, एक जीतता था और दूसरा चला जाता था और जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। हमारे यहां युद्ध खेल भावना से लड़े जाते थे और उनके कोलोसियम में खेल भी हिंसक होते थे, जब तक दूसरा मर ना जाए तब तक वो खेल चलता रहता था, जमीन आसमान का अंतर है हमारी और उनकी सोच में। इसलिए और हमारे यहां प्रेम क्या था, जो अज्ञेय जी की कविता है कि वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, मैंने विदग्ध हो जान लिया अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा या प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। तो हमारे यहां कॉन्सेप्ट में एक टोटल डिफरेंस है, और उस डिफरेंस की वजह से हम ये मैंने सिर्फ ये बताने का प्रयास किया है कि हमें विष कहां कहां तक बैठा हुआ है और हमें कहां कहां तक विष को निकालना है। और विष निकालने के बाद होगा जानते क्या है, अमृत काल आते आते अगर हमारे अंदर से, जैसे किसी के अंदर पॉइजन आ जाए तो आप दवा देते हैं एंटीबायोटिक देते हैं, फिर उसकी शरीर की नेचुरल पावर आती है ना बाहर, हमारे शरीर की जो जो नेचुरल पावर बाहर आएगी तो असली शक्ति सबको पता चलेगी भारत की। हम तो उसकी तरह हैं जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूले हुए थे, उन्हें याद दिलाना पड़ा था कि पवन तनय सुन सुत पवन समाना काचू पिसाद रहा बलवाना। हम उसी प्रकार हैं, अपरिमित शक्ति है पर वह शक्ति भूले हुए हैं। जैसे ही यह विष निकलेगा तो स्वतः वो चीज प्रकट की होकर सामने आ जाएगी। उदाहरण के लिए मैं यह बताना चाहता हूं इसमें एक डेफिनेशन में, और जो एक बार मैंने पहले भी जिक्र किया है, गुरु और शिष्य और शिक्षा को लेकर हमारा और उनका कॉन्सेप्ट में जमीन आसमान का अंतर। वो कहते हैं एजुकेशन वो है विच कैन इम्पार्ट सर्टेन नॉलेज टू यू, सर्टेन इंफॉर्मेशन टू यू, एंड दैट इंफॉर्मेशन विल ट्रांसफॉर्म योर पर्सनैलिटी, यही तो कहते हैं ना। हमारे यहां ऐसा नहीं कहा गया है, हमारे यहां ज्ञान देना ये मुख्य काम नहीं है, जिसको मेटलिस्टिक ज्ञान कहते हैं हमारे यहां अविद्या कहा गया है। हमारे यहां माना गया हर व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि, ज्ञान तो उसके अंदर ओतप्रोत हो रहा है, केवल उसके ऊपर माया का आवरण है, जैसे शीशे के ऊपर गंदगी जमा है, बस उसको हटाना है और जब जो उसमें से शेष होके निकलेगा, ये शिष्य शब्द जो है वो संस्कृत के शेष का एडजेक्टिव है। शिष्य का मतलब हुआ इफ आई हैव रिमूव्ड एवरीथिंग विच वाज अनवांटेड फ्रॉम योर कॉन्शियसनेस द रेसिडुअल इज शिष्य। इसी प्रकार हम अपने विष को अगर हटाने में सफल हुए
तो जो रिजिडुअल होगा भारत का वो वास्तविक स्वरूप होगा, और वो रिजिडुअल क्या होगा, वही जो हम लोग अक्सर सुनते हैं, उसी में शिष्य और गुरु शब्द की एकदम सटीक व्याख्या है। वो कहता ना, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं पूर्ण हूं, ये पूर्ण है, मुझे इसमें से पूर्ण निकालना है, और जब मैंने पूर्ण से पूर्ण को निकाला तो शेष भी पूर्ण था। व्हेन आई हैव टेकन इंफिनिटी आउट ऑफ द इंफिनिटी द रिजिडुअल इज द इंफिनिटी। अब मैं एक चीज आपको ये बताना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है, नॉलेज के डायमेंशन की वजह से हम समझ नहीं पाते। हम कई बार कहने लगते हैं ये तो एकेडमिक है, ये फिलोसफिकल है, और ये जो है एक्चुअल है। अब भारत की एक्चुअल मैथमेटिकल खोजों में एक चीज जिसपे भयंकर से भयंकर जो भारत विरोधी लोग हैं या जो भी लेफ्टिस्ट हैं हमारे वैचारिक विरोधी, वो सब भी मानते हैं जीरो जरूर भारत ने दिया। जीरो इन टर्म्स ऑफ एक्चुअलिटी क्या है, इट इज एन इंटीजर विच इज द बेस ऑफ अर्थमेटिक। तो कहा गया जीरो से आगे बढ़ के 1, 2, 3, 4 चलता है और फिर जीरो के आधार पर मल्टीप्लीकेशन होता है। तो अविद्या में हमने कहा दो प्रकार की विद्या है, ऑल मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी से लेकर और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ये सब अविद्या है, इसको गलत शब्द नहीं मानना चाहिए। उसमें तो वो जीरो एक इंटीजर है, और विद्या क्या है, दैट इज अ डिफरेंट पैराडाइम ऑफ नॉलेज। सा विद्या या विमुक्त है, जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है, उसमें जीरो क्या है। अगर आप देखिए, आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करें, जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, तो क्या आता, रिजल्टेंट इज इंफिनिटी। इसका अर्थ क्या हुआ कि अनंत का रास्ता शून्य से होकर जाता है, और हम अनंत खोज रहे थे इसलिए हमने शून्य खोजा। अब यहां से देखिए मेटीरियल नॉलेज और एसोटेरिक नॉलेज के बीच का कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। जब आप ये कहते हैं अविद्या में तो शून्य एक नंबर है और विद्या में शून्य अनंत का मार्ग है, और वो कैसे प्राप्त करना है, वो अपने अंदर जब आप शून्य पैदा करेंगे तो अनंत की अनुभूति होगी, और जिसे एक और फिर क्या होगा, तो वहीं से आपको ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, जिसे एक दोहे में कहा है, शायद कबीरदास जी ने कहा है कि जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम और घर अपनों है शून्य में अनहद में विश्राम। अब यहां से आप देखिए तो क्या है, जीरो एक अभिव्यक्ति है मेटीरियल नॉलेज में, जीरो एक अनुभूति है एसोटेरिक नॉलेज में। उनके पास ऐसा कोई कनेक्शन ही नहीं है, उनके पास वो डायमेंशन ही नहीं है अनुभूति का। इसलिए हमें इन चीजों को समझकर इसमें से जाना है। और मैं एक दूसरा भी एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे हम सब पढ़ते थे रावण का एक सर कटता था दूसरा उगाता था, भगवान रोक नहीं पाते जब तक नाभि पे वार नहीं किया, तो किसी को लगता कहानी है, ये तो एक कहानी है जो लोग बहुत दूर से देखते हैं जिनको बिल्कुल ही इस बात की समझ नहीं है। जो हमारे भी लोग हैं वो भी कहते हैं कुछ ऐसे ही सोच के कल्पना की गई होगी, ऐसा नहीं है। एक सर कटता है दूसरा उगाता है, ये इस बात का प्रमाण है कि वो 10 सर 10 इंद्रियों के प्रतीक हैं। एक सर उगेगा दूसरा उगाएगा, अर्थात एक इच्छा पूरी करिए तुरंत दूसरी उगाएगी, ईश्वर भी उसको नहीं रोक सकता। इसका अर्थ होता है सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे चलना शुरू करिए, यू विल नेवर फाइंड एन एंड। एक सर्किल पूरा होगा तुरंत दूसरा रास्ता आगे दिखेगा, सर्किल का एंड कहां पे है, केंद्र में। इसलिए जब तक सर कटते रहेंगे तब तक फिर उगते रहेंगे, जब नाभि पे ईश्वरी शक्ति का आघात होगा तब जाके आपको उसका वास्तविक निवारण होगा। इसलिए मैंने सिर्फ ये कहा कि दोनों के बीच का संबंध, जैसा अभी दो हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने कहा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, स्वामी जी ने भी कहा, बिल्कुल मैं तो कहता हूं दोनों में सामंजस्य है, जो शर्मा जी ने कहा और जो स्वामी जी ने कहा। बस आप इसका सीक्वेंस देख लीजिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म फर्स्ट है मोक्ष आखिरी है, यानी धर्म का आचरण करना है, धर्म को स्थापित करना है, मोक्ष पे लक्ष्य रखना है, माध्यम उसका अर्थ और काम को बनना है। तो उसके लिए अर्थ भी चाहिए, काम पर भी नियंत्रण चाहिए, मोक्ष पे लक्ष्य चाहिए, मगर करना क्या है, सत्यम वद धर्मम चर, धर्म का आचरण करना है, और उसका सारा का सारा रास्ता धर्म के माध्यम से ही जाएगा। अब मैं यहां पर एक बात और भी कहना चाहूंगा, ज्यादा समय ना लेते हुए, एक विषय जो स्वामी जी ने कहा,
और एक विषय जो शर्मा जी ने कहा, क्योंकि मेरा थोड़ा विचार रहता, मैं जो सुनता हूं वक्ताओं को उसी में से विचार लेने का प्रयास करता हूं। देखिए, उन्होंने स्वामी जी ने कहा कि चाइना के साथ हमारा इस समय निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा है, परंतु विश्व जिस तेजी से बदल रहा है, बताइए 25 साल पहले कोई सोच सकता था कि चाइना अमेरिका को आंख दिखा देगा? आज दिखा रहा है, तो हमें भी कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, 25 साल में हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी के लेवल पे देखिए, सिर्फ 26 साल पुरानी बात है, आप सबको अगर याद हो 1996 जब पहली बार उस समय के वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्पारोव ने आईबीएम के कंप्यूटर डीप ब्लू के साथ बाजी खेली थी, वो पहला मौका था जिसे आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ये उसका सूत्रपात था। आज इतनी बड़ा डिजिटल रिवोल्यूशन दुनिया में आएगा शायद 26 साल में किसी ने नहीं सोचा होगा, मगर इसीलिए हम कह रहे हैं अगले 25 साल में इस अमृत काल में क्या होगा इसको लेकर किसी प्रकार का बॉन्डेज या कवर दिमाग में मत रखिएगा, बहुत कुछ हो सकता है, स्काई इज द लिमिट। मगर उन्होंने एक वाक्य बोला था स्वामी जी ने, धनात धर्म तथा सुखम, धन तो चाहिए पर सुख का कारक वही है जो धर्म के मार्ग से व्यय होता है। अब हम ये कहें जो भोग के माध्यम से व्यय होता है वह विनाश का कारण बनता है। इसका प्रतीक है अमेरिका की भोगवादी संस्कृति, दिल मांगे मोर, और जो अधर्म के मार्ग से व्यय होता है वो भी विनाश का कारण बनता है, फिर चाहे वो पाकिस्तान व्यय कर रहा हो या जिस भी प्रकार की चीजों में चाइना या अन्य देश व्यय कर रहे हो। तो मैं ऑन द लाइटर नोट सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जब भी हमारे बीच में संपर्क होगा तो चाइना ऑफिशियली तो कम्युनिस्ट कंट्री है, प्रैक्टिकली हो ना हो, प्रैक्टिकली तो कैपिटलिस्ट का भी कैपिटलिस्ट है पर ऑफिशियली तो कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी का कोई भी व्यक्ति कोई धार्मिक अपने धर्म का वो नहीं कर सकता, वरना उसे जेल तक हो सकती है। तो यानी वो धर्म को नहीं मानता, तो वो अधर्म का प्रतीक है, विधर्म का प्रतीक नहीं है। विधर्म हुआ दूसरे धर्म को मानिए, आप जो हमारा विचार है उसको मत मानिए, मगर आस्तिक तो रहिए, जैसे पाकिस्तान है या वेस्टर्न वर्ल्ड है। अंग्रेज और औरंगजेब थे, विधर्मी थे पर अधर्मी नहीं थे। अब अगर वो दुनिया में सबसे बड़ा धर्महीन होने का प्रतीक है और हम क्या हैं, दुनिया में सबसे बड़े धर्म के प्रतीक हैं, भारत को रिलीजियस स्पिरिचुअल माना जाता है, और ये ध्यान रखिए ये हमारी सनातन संस्कृति, हमारी चिरंतन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, यह हमें संदेश देती है जब भी अधर्म और धर्म के बीच का द्वंद्व होता है तो अपेरेंटली हमेशा अधर्म की पावर ज्यादा होती है, पर परिणाम क्या होता है, वो जो सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे लिखा है, यतो धर्मस्ततो जयः। तो इसलिए आप ये समझिए कि हम अपने अर्थ का प्रयोग सकारात्मक दृष्टिकोण से कर रहे हैं, हम दुनिया को डोमिनेट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया को मोटिवेट करने के लिए कर रहे हैं। अब मैं अंत में जो सतीश शर्मा जी ने कहा था कि भाई हिंदू रेडिकलाइज क्यों नहीं होता, उसका कारण यह है कि हम वो थे जिसने प्रॉस्पेरिटी की पीक देखी थी, जो एंगस मेडिसन का उल्लेख स्वामी जी ने किया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोई ये कहे कि कोई इसको कल्पना माने, तो मैं कहना चाहता हूं, अरे भाई सोने की लंका और राजा ययाति का मणियों का महल, अगर भाई तुम इसे कल्पना भी मानते हो तो ये सिर्फ हम ही क्यों कर पाए, कल्पना नहीं थी ये, आपका सोचना है। अरे हम वो हैं जिसने आकाश से गंगा उतारी, जिसने सागर पर सेतु बनाया, जिसने नक्षत्रों को संज्ञा दी, जिसने दुनिया को संख्या दी। आपको लगता होगा कल्पना है, क्योंकि आपका ज्ञान का लेवल अभी कम है। जैसे 100-125 साल पहले यहां से अमेरिका बात हो रही है, कल्पना थी, आज यथार्थ है। मगर मैं कहता हूं भाई, कल्पना भी मानो तो तुम्हारे यहां ऐसी कल्पना क्यों नहीं हुई, क्योंकि हम बाहर इतना अचीव कर चुके थे, जिसे स्वामी रामतीर्थ ने कहा था, ओ ब्रिमफुल इज माई कप ऑफ जॉय, हैविंग फुलफिल्ड ऑल डिजायर, व्हाट शैल आई डू एंड वेयर टू मूव, आई फिल ऑल द स्पेस नो रूम टू मूव। अब क्या था, इसलिए हमारे यहां बाहर प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी, हम सोने की चिड़िया भी थे, हम सबसे संघर्षशील भी थे, हमारे यहाँ शाखा और जौहर भी होता था, तो हम जगत गुरु भी थे, क्योंकि हम बाहर जीतने के लिए नहीं जाते थे, हम अपने को जीतने का प्रयास करते थे। इसीलिए हिंदू रेडिकलाइज नहीं होता, वो तो एक अलग बात है, हिंदू इज द ओनली इफ समबडी कंसीडर इट एज अ रिलीजन, जो कन्वर्जन में विश्वास नहीं करता, देयर इज नो मेंशन ऑफ कन्वर्जन इन एनी हिंदू टेक्स्ट,
इसीलिए इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच डजंट बिलीव इन इन्वेजन. इसीलिए हमने कभी किसी कंट्री पे इन्वेजन नहीं किया. तो दोनों की बातों का सामंजस्य यह है जो अटल जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता है, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, जो उसका अंतिम छंद है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम. गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया. कोई बतलाए कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय. अब आप कहेंगे, अब मैं आता हूं फाइनल कंक्लूड करते हुए, जो चाइना वाली बात अमित जी ने कही, चाइना का आज वर्ल्ड में बड़ा प्रोमिनेंस है. कोई ऐसा कंट्री नहीं जहां उसका डोमिनेशन ना दिख रहा हो. पर यह बताइए, जब मोदी जी 2014 में यूनाइटेड नेशंस में योग का प्रस्ताव लाए तो 173 देश उसके समर्थक नहीं बने, सेकंड प्रपोजर बने, जो यूएन की हिस्ट्री में सबसे बड़ा है. 173 देश जिस समय योग करते हैं उनका डोमिनेशन दिखता है, हमारा मोटिवेशन दिखता है. हम और ये वेद आता कहां से है, ये योग आता कहां से है, वेद से ही आता है. जो षठ दर्शन है, सांख्य न्याय वैशेषिक योग मीमांसा वेदांत, उसी योग में तो एक योगासन है, अष्टांग योग में. तो ये सिर्फ इस बात का उदाहरण है कि जब हम राइज करेंगे तो दुनिया को क्या देंगे. हमारा राइज जगत के कल्याण के लिए होगा और किसी और का राइज उनके अपने कल्याण के लिए हो सकता है. और फाइनली एकदम फंडा क्लियर रखिए कि हमारा राइज होने जा रहा है इन 25 वर्षों में, चाहे कुछ भी सामने दिख रहा हो. आप सब हिस्ट्री के गहरे जानकार हैं. आज से 2500 साल पहले जब हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ, उससे पहले वी वर द इकोनॉमिक मिलिट्री एंड इंटेलेक्चुअल पावर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. जब हमारा डाउनफॉल हुआ तो पावर सेंटर कहां शिफ्ट हुआ, किंग डेरियस ऑफ पर्शिया, पर्शियन एम्पायर. जब उसका डाउनफॉल हुआ तो मेसोपोटामियन एम्पायर, उसका डाउनफॉल हुआ तो टर्किश एम्पायर, फिर उसका डाउनफॉल हुआ तो रोमन एम्पायर. तो रोमन एम्पायर की पहले कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज तुर्की का इस्तांबुल है, फिर चली गई रोम में. रोमन एम्पायर, रोम का डाउनफॉल हुआ तो पुर्तगाल और स्पेन. शिफ्टिंग का पैटर्न देखिए, पुर्तगाल और स्पेन के बाद ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद अमेरिका. अमेरिका में सबसे प्रॉस्परस वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को लॉस एंजल्स बेल्ट. अब आ जाइए पिछले 100 साल में, उसके बाद जापान की इकोनॉमिक धमक पूरी दुनिया में सुनाई पड़ी. अब आ जाइए पिछले 50-60 साल में, टाइगर्स ऑफ द एशिया पैसिफिक, हांगकांग ताइवान सिंगापुर मकाओ. अब आइए पिछले 20 साल में, चाइना. अगला पड़ाव क्या है, तो धनात धर्मा तथा सुखम भी पड़ाव है और यतो धर्मस ततो जया भी पड़ाव है. इसलिए ये कहते हुए अपना विचार समाप्त करता हूं. बिल्कुल मन में स्पष्ट रखिए कि इस अमृत काल में अमृत का उदय होने जा रहा है. हमें बस मोदी जी ने जो 5 प्रण बताए हैं वो अपने मन में रखना है और जलने वाले जितना जलना है जलते रहें. जो एक बात और कह दूं, जो स्वामी जी ने कहा ना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो भूमिका निभाई है, और आप कह दो जलती हुई फोटो दिखाई गई थी, हाँ तो हम बताते हैं कि हम जलते हैं, पर जलने का हेतु क्या है. हम बचपन में वो कविता सुने थे ना, हम केशव के अनुयायी हैं हमने तो बढ़ना सीखा है, उसकी एक लाइन थी, अंधकार में बंधु भटकते पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल हमने तो जलना सीखा है. तो हम उस प्रकार से मार्ग प्रशस्त करते हैं, इसलिए एकदम कॉन्फिडेंस रहिए. वी आर हैविंग अ ग्लोरियस पास्ट एंड वी आर हैविंग अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर. और हमारा विकास का मॉडल क्या होगा, जो गुजरात में मोढ़रा में दिख रहा है. सोलर एनर्जी का इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत ने बना, सोलर एनर्जी 300 गीगावाट तक 2030 में पहुंचेगी. पहला विलेज ऐसा बना जिसके हर रूफ के ऊपर सोलर होगा और वहीं भगवान सूर्य का मंदिर भी होगा. तो इसलिए यहां पर उस ग्लोरियस पास्ट और प्रॉमिसिंग फ्यूचर का समन्वय होगा. बस हम वर्तमान में यह ध्यान रखें, आप सभी सरस्वती के साधक हैं और लक्ष्मी की कृपा भी चाहिए, परंतु दोनों ही कमल पर विराजमान होकर आती हैं. तो बस हमें यह ध्यान रखना होगा कि दोनों की कृपा कैसे मिलेगी. तो अंत में मैं कहता हूं कि गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है. धन्यवाद.